#MeToo अभियान जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक हैरान कर देने वाले चेहरे सामने आए हैं और अभी पता नहीं कितने और आएंगे। अभी तक तो इस मुहिम के चलते एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के चेहरे ही सामने आए थे, लेकिन अब लगता है कि #MeToo कैंपेन का असर पॉलिटिक्स वर्ल्ड पर भी छाता नजर आ रहा है, और वो इसलिए क्योंकि अब शामत आई है एक केंद्रीय मंत्री की जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस बार #MeToo का शिकार हुए हैं विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर। एक महिला पत्रकार प्रिया रमानी ने MJ अकबर के नाम पर खुलासा करते हुए उन पर आरोप लगाया है कि अकबर ने उनके साथ यौन शोषण किया है। अकबर जो पहले एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने उनका इंटरव्यू होटल के कमरे में लिया था और उन्हें उस दौरान शराब भी ऑफर की थी और बिस्तर पर उनके पास बैठने को भी कहा था। प्रिया रमानी ने अपने आरोप को पूरी मजबूती के साथ पेश किया है और इस पर कई ट्वीट्स किए हैं जिनमें उन्होंने न सिर्फ अपना पूरा दर्द बयां किया है बल्कि यौन शोषण की पूरी कहानी को बताया है। टू द हार्वे वाइनस्टीन ऑफ द वर्ल्ड टाइटल नाम के इस लेख में पत्रकार ने बताया है कि अकबर ने उनका इंटरव्यू होटल के कमरे में लिया था और उन्हें उस दौरान शराब भी ऑफर की थी और बिस्तर पर उनके पास बैठने को भी कहा था। उन्होंने ये भी लिखा है, कई महिलाओं के पास इस शिकारी को लेकर खटिया कहानियां हैं जो #MeToo कैंपेन के मदद से इस खुलासे के बाद सामने आ सकें। खबर के सामने आने के बाद विपक्ष ने अकबर को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी ने भी कहा है कि ये बेहद गंभीर आरोप हैं और अकबर को इसके लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। #MeToo कैंपेन के तहत कई वर्ष पहले कथित रूप से यौन शोषण का शिकार बनी महिलाएं सोशल मीडिया में सामने आ रही हैं और गुनहगारों के नाम सार्वजनिक कर रही हैं। अब तक एंटरटेनमेंट से लेकर पॉलिटिक्स के बड़े बड़े चेहरे भी चपेट में आ रहे हैं जिनमें नाना पाटेकर से लेकर आलोक नाथ तक का नाम है। अब देखना है कि अगला नंबर किसका होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने सुझावों को हमें कमेंट के जरिए भेजें।